सो आज हमने अपना योगा कर लिया है. योगा के समय हमने वीडियो नहीं बनाया एंड इट्स द सेकेंड डे इन द होटल. अभी हम ब्रेकफास्ट हॉग करने के बाद, जी हाँ, ब्रेकफास्ट का हमने हमारा वीडियो नहीं बनाया, संग्राम का ब्रेकफास्ट का हॉगिंग का हम वीडियो बनाएंगे बिकॉज संग्राम हमारे को बहुत परेशान करता है. मेरे डार्लिंग हस्बैंड, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाकर तुम्हें कैसा लग रहा है फिट इंडिया के आइकन? क्या चाहिए, इतना प्यार से क्यों बोल रहे हो? वाह वाह, मेरा हेल्दी हस्बैंड, टचवुड है. ब्लैक पेपर मिलेगा मुझे? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, पेपर चाहिए. ब्लैक पेपर क्यों चाहिए? ब्लैक पेपर क्यों चाहिए? इट्स ब्लैक पेपर संग्राम. ही इज कंप्लीटली इग्नोरिंग मी. ठीक है, समय समय की बात है, हम भी उसको बहुत इग्नोर करेंगे, वो हम आपको बताएंगे नहीं. ओ मेला बेबी, बेबी तो स्मॉल बच्चा होता है. तुम स्मॉल बच्चे की तरह ही खा रहे हो? हाँ, मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड. यू कुडंट अंडरस्टैंड? मैं कैमल की तरह पूरा दिन का कोड़ा पूरा करता हूँ. कैमल नहीं, 30 दिन का पानी पी लेता है अपना. कैमल हो? कैमल तो बहुत अच्छा होता है हमारे से. तो क्या हुआ, सेलिब्रिटी रेसलर से खुल नहीं रहा बॉटल का ढक्कन? हाँ, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे वाह वाह. नाम लिखता हूँ अपना. नाम लिखते हो? हे भगवान. तो आज हम 2:30 बजे IIM जो रोहतक के डायरेक्टर साहब है उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं एंड ही इज गोइंग टू बी गिविंग अस हिज इनसाइट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स. बट द टॉपिक आई थिंक जो आज हम चूज करेंगे उनके साथ बात करने के लिए, एक मिनट, वो फिल्म्स और संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा. सो लेट्स सी हाउ द जूम इंटरव्यू गोज बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन माय यूट्यूब चैनल. बोलो, क्या बोल रहे हो? धीरज जी के बारे में कुछ कह रहे थे. धीरज जी बहुत समझदार इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है. अच्छी बात है. लोग कहते हैं ना कि तुम धीरज जी को जानते हो, इसलिए मेरे को IIM में मौका मिला TEDx स्पीकर बनने का. नेपोटिज्म का वो उदाहरण था. ना ना, हाँ, अगर ऐसा होता तो IIM में मैं जाता पहले. वेरी गुड जवाब, वेरी वेरी गुड जवाब. यू गोट प्लेस ड्यू टू योर टैलेंट एंड क्रेडिबिलिटी. ओह वाओ. सो लोग जो कह रहे थे कि मुझे TEDx में बोलने का मौका मिला बिकॉज ऑफ संग्राम यू सिंह की क्या राय है उसके ऊपर. आई गॉट द मौका बिकॉज ऑफ, यू गॉट चांस ड्यू टू योर टैलेंट, क्योंकि IIM रोहतक में मैं आज तक खुद नहीं गया. बट आई नो धीरज जी एंड आई नो मतलब IIM सेटअप, बट ये उन्होंने आपको सामने सपोर्ट किया है, इसमें कोई ना कोई मेरा वो है, ये आपके पोटेंशियल का और आपके टैलेंट के कारण आप वहाँ पे गए. सो टू ट्रोल्स, आई होप यू गॉट द आंसर. ये मेरे पोटेंशियल और मेरे टैलेंट की वजह से मुझे मौका मिला. ठीक है, ओके, बाय बाय. संग्राम, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे को इन्फॉर्मेशन दो जो तुम मुझे कह रहे थे इन पर्सनल स्पेस अबाउट द हिंदू लेडी हु वॉज बीहेडेड इन पाकिस्तान. देखिए, मैं ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान में है ना, जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हैं, दूसरी कम्युनिटी है, वो बहुत कम है.
अराउंड 22 करोड़ की जनसंख्या में 30-35 लाख मुश्किल से सब मिला के। तो वहां पे एक सिंजोरो करके जगह है जो प्रांत है, सिरमोर सिंजोरो कोई जगह है, वहां पे एक कोई लेडी थी बेचारी भील समुदाय से हिंदू लेडी, उसका है ना बुरी बर्बरता से कत्ल किया गया, सिर काटा गया, बलात्कार किया गया, उसके स्तन काटे गए, उसकी स्किन भी वो बड़ी बुरी हालत में मतलब उस वो मिली है, और उसके पति की डेथ हो गई थी, 4 बच्चे थे उसके, तो वो मजदूरी करके खेतों में सब कुछ करके अपना अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, उनकी जीविका चला रही थी, और 3 दिन से सब घूमते रहे उस पर जो उस छोटे से गांव वाले, किसी ने पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी। फिर वहां पे एक हिंदू समुदाय से कोई पहली बार एमपी बनी है कृष्णा कुमारी जी, उसने फिर उस इलाके का दौरा किया, उसने ट्वीट किया, तब ये जाके मीडिया को पता चली, तब जाके पुलिस ने उसकी कंप्लेंट ली। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भैया जैसे यहाँ पे कुछ हो जाता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे तुनिशा जी की या और किसी की, तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन में ये सब होता है, हम उसको इतना बड़ा मुद्दा उठाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब उस लेडी के साथ इतना कुछ हुआ है, उसके बच्चे हैं 4 छोटे छोटे, तो हमें ये मुद्दे उठाने चाहिए ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी पहल करने की कोशिश कर रहा हूँ, करने वाला तो वो है, मैं उन 2 लाख रुपए अपनी संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से उस लेडी के बच्चों को दे रहा हूँ, और आगे अगर उसकी लड़की है 4 बच्चों में कोई, उनकी शादी करवानी तो उसका जरिया भी मैं बनूंगा, और उनकी एजुकेशन में कोई दिक्कत आएगी तो उसका जरिया भी मैं बनने की कोशिश करूंगा। तो हमें अभी यूएनओ ये सब कहाँ चले गए, जब यूएनओ बोलते हैं कि भैया ये यहाँ से ही आ रहे हैं वहां से ही आ रहे हैं, तो कोई इंसान तो इंसान है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है, तो सब बराबर। तो यूएनओ है, बाकी है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, कहां चली गई अब। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे इंसानों के लिए, जरूरतमंद इंसानों के लिए फाइट करनी चाहिए। आपकी आवाज की तब कीमत है जब आप ऐसे पर्सन की आवाज बनते हो जो खुद नहीं बोल सकता। तो वेरी गुड आप ये कर रहे हो, क्योंकि मैं भी संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ, बट जब ऐसे कॉजेज होते हैं तब बहुत अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे की राय नहीं लेते मगर डिसीजंस लेते हैं, जो डिसीजंस हमें लगती हैं सही है, बिकॉज हम दोनों का जो थॉट प्रोसेस है वो है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड वो ह्यूमैनिटी में हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, आई थिंक वी डू आर बिट फॉर एवरीवन, हम सबको करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि हाँ तुम क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि हम सबको इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, और दूसरा क्या कि ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। हम बहुत खुश नसीब इंसान हैं जो कोरोना से बच गए हैं, जो बाकी चीजों से बचे हुए हैं, जिंदा हैं, रोजी रोटी मिल रही है, तो जिसमें ग्रेटिट्यूड होगा ना वो नेगेटिव सोच नहीं सकता, वो स्ट्रेस में डिप्रेशन में रह ही नहीं सकता, वो कोई भी चीज ये कर ही नहीं सकता। तो हम सबको, हम यहाँ पे आए हैं दूसरे की मदद करने के लिए, तो हम सबको एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कोलैबोरेशन करना चाहिए। हाँ ये तुम्हारा सेइंग मुझे अच्छा लगता है, नो कॉम्पिटिशन विद ईच अदर कोलैबोरेशन विद ईच अदर। यस तो अच्छी बात है, आई एम होप दैट योर एफर्ट्स आर अप्रिशिएटेड एंड यू आर एबल टू सेंड द मनी टू द करेक्ट पीपल इन पाकिस्तान फॉर मैं उसकी मैं हेल्प लूंगा, क्योंकि मैंने जिस अखबार के माध्यम से पढ़ा था, तो मैं पूछूंगा आपने यहाँ पे ऑफिशियल से कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकता हूँ, कैसे सारी चीजें हो सकती हैं, बाकायदा थ्रू एक प्रॉपर चैनल। ओके आई टॉक टू यू लेटर। सो जैसे मैंने आपको बोला, आई एम गोइंग टू बी इंटरव्यूइंग द IIM डायरेक्टर धीरज जी, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बी डूइंग दैट इन सम टाइम। इंटरव्यू मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करूंगी, इंटरव्यू ऑब्वियसली होने के बाद, एडिट होने के बाद विल बी अपलोडेड ऑन माई YouTube चैनल, and we are going to be talking about the influence of films on youth of India, the content that's been generated on OTT platforms, seen in films, seen on OTT platforms. So we are going to be concentrating on how that content influences the youth of India and how it should be controlled or curbed or redirected. Thank you. So talk to you guys later. So we are waiting for the director of IIM to join us for the interview. So IIM ke director sahab ke saath interview karne ke baad, now Sangram and me have just come to have some tidbits before we, you know, go back to our room. So again, I'm going to be capturing Sangram eating food. How is the food, Sangram?
ऑब्सेस्ड हो गए मुझे लगता है। ऑब्सेस्ड हो गए हो? ऐसा कैसा? ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है? प्रभाव। प्रभाव नहीं, ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है? फूड इज ऑलवेज गुड कि परमात्मा पेट भरने को रोटी दे रहा था, उससे बड़ी क्या बात है। पर मैं किससे ऑब्सेस्ड हूँ, फूड से कि तुमसे? मुझसे। हाँ मुझसे। किसने बोला? आपकी बोला? आपकी आंखें आपका चेहरा बता रहा है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ? ओह माय गॉड। चलो कोई तो ऑब्सेस्ड है तुमसे। क्या हुआ? मेरी जीभ काट दी दांत ने। हाँ तो जिंदगी में हर चीज संभल के कीजिए। जब आपके खुद के दांत या आपकी जीभ काट सकते हैं तो समझ जाओ। ठीक है। So the interview with the director of IM was really nice. We argued, discussed, debated, but it was everything in healthy context. वो interview आप जल्द मेरे channel पर देखेंगे। उसके पहले शायद और कुछ content देख लें। सक्रम, मैंने तुम्हारे साथ 3-4 PDFs बनाए हैं कुछ business start करने के लिए। आपको समझ पड़ रहा है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है? You are genius. नहीं, मैं जीनियस हूँ तो इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपको फंडिंग लानी है। आपके इतने आइडियाज को हम PDF में डाल के डेवलप कर रहे हैं, तो आप फंडिंग कैसे लाएंगे? आपको समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? Happy New Year. ये लेके आएंगे, लेके आएंगे, don't worry. So आज New Year है, it is the first day of 2023 and पीछे आप देख रहे हो संग्राम जी अपना कोई फोटो सेशन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? आई थिंक कोई इवेंट में जा रहे हैं, मुझे पता नहीं। That's Vaseem. Hello Vaseem जी, कैसे हो? Hi. 2023 की मुबारक। अंग्रेजों का नया साल मुबारक। ओह वाओ, आई लव द भाषा, अंग्रेजों का नया साल, आई लव द भाषा। सो दिस इज 2023 का फर्स्ट डे एंड वी आर स्टिल इन दिल्ली। आई एम फ्लाइंग टू अहमदाबाद, संग्राम जी दिल्ली में ही रुक रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू बी फ्लाइंग बैक टू अहमदाबाद।